हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे और कच्चे आलू से बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा डोसा, जो बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। और इसे बनाने के लिए आपको ना ही दही, ईनो और ना ही बेकिंग सोडा की ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत झटपट से आप इस रेसिपी को बना के तैयार कर सकते हैं। और तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया एक मिक्सिंग बाउल, और इसमें हम डाल देंगे 1 कप गेहूँ का आटा, और साथ ही इसमें डालेंगे हम सूजी यानी कि रवा हम 2 चम्मच डालेंगे, जिससे कि हमारा नाश्ता और भी ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बन के तैयार हो। और अब यहाँ पर मैंने एक आलू को अच्छी तरह से छील लिया था और इसे कद्दूकस कर लिया है, और इसे मैंने 1-2 पानी से धो लिया और इसे पानी में ही रखा है ताकि ये काला ना पड़े। तो अब इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, साथ ही डालेंगे 1/2 चम्मच साबुत जीरा, और यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ी सी कड़ी लीव्स। तो आपके पास भी अगर हो कड़ी लीव्स तो आप ज़रूर डालें। कड़ी लीव्स डालने से डोसे का जो फ्लेवर है काफ़ी अच्छा होता है और बढ़ भी जाता है स्वाद इसका। और साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हम धनिया पत्ती, और यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, इसे भी डाल देंगे। तो अब इन्हें हम मिक्स कर देते हैं, और अब इसमें हम डाल देंगे हमने जो कच्चे आलू को कद्दूकस करके रखा हुआ था उसका पानी निचोड़ लेंगे अच्छी तरह से हाथों से, और सभी को इसमें हम इसी तरह से पानी निचोड़ के डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी आलू को इसमें डाल दिया है, तो इसे भी हम मिक्स कर लेंगे, और अब इसमें पानी डालकर इसका हम बैटर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, डोसे का जो बैटर होता है ना वो गाढ़ा नहीं होता है, इसे हम पतला ही रखेंगे। तो अभी काफ़ी गाढ़ा है, इसमें भी और पानी डालेंगे हम। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और अब इसमें हम डाल देते हैं स्वाद के लिए नींबू। यहाँ पर मैंने 1/2 नींबू लिया है, इसका रस हम अच्छी तरह से निचोड़ के डाल देंगे, जिससे कि हमारा डोसे का जो फ्लेवर है काफ़ी अच्छा सा चटपटा सा आए। तो अब इसमें हम और पानी डालेंगे ताकि बटर हमारा पतला हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं डोसे की जो कंसिस्टेंसी है, हमें इतना ही रखना है। तो अब इसे हम ढक देते हैं, ढक कर इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो हमने इसमें रवा डाला था ना वो अच्छी तरह से फूल जाए। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद हमारा बटर जो है बिल्कुल तैयार है डोसा बनाने के लिए। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने तवा गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, इसमें हम डाल देंगे ऑयल। ऑयल को अच्छी तरह से तवे पर फैला लेंगे, और अब इसमें हमने जो बैटर बना के रखा था गेहूँ के आटे का, उसे इस तरह से हम फैला देंगे। बिल्कुल पतला ही रखना है हमें। तो इसे मैंने अच्छी तरह से फैला दिया है, अब इसे हम पकने देते हैं। तो इसके अब साइड्स में हम थोड़े से ऑयल और लगा देंगे, ताकि डोसा निकालने में हमें दिक्कत ना हो और आसानी से ये निकल जाए। और इसके में जो जाली पड़ गया है ना, वो जाली में भी हम थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। तो जब ये पक जाता है ना फ्रेंड्स, तो खुद ब खुद डोसा हमारा साइड से निकल आता है। तो ये देखिए, जब ये पक गया है तो इसके साइड जो है खुद ब खुद छूट जाते हैं और ये आसानी से निकल आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं डोसा जो हमारा एक बन के बिल्कुल तैयार है, बहुत ही झटपट से इंस्टेंट डोसा जो हमारा बन के तैयार हो जाता है। आप इसे अपने पसंद के चटनी के साथ खाएं, या इस स्टेज पे आप इसके ऊपर आलू का स्टफिंग बना के भी रख सकते हैं, जो डोसे में खाए जाते हैं। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं, और एक बार मैं इसी तरह से आपको बना के दिखा देती हूँ। तो बहुत ही झटपट से, जब भी आपको खाने का मन करे डोसा, तो मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं, आप गेहूं के आटे से और घर में ही रखे सामानों से इसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो अब इसके साइड्स में हम थोड़े से ऑयल लगा देंगे, ताकि डोसा हमारा आसानी से निकल आए। तब इसे हम पकने देते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, डोसा जो हमारा बन के, ये दूसरा भी बन के तैयार हो गया है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं और इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा डोसा जो है बिल्कुल बनके तैयार हो गया, बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा सा, खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार घर पे बना के ज़रूर ट्राई करें, बच्चे हो या बड़े, सभी को ज़रूर पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी हमारा जो डोसा है बनके तैयार हुआ है। तो आप भी इसे बना के एक बार जरूर ट्राई करें।
और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।